फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ऑफ इंडिया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में से कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है इस पर से ही मालूम चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल 328.7 मिलियन हेक्टर सॉइल है। इसमें से कल्टीवेबल कितने हैं, टोटल कल्टीवेबल सॉइल कितने हैं, तो वो है 155.2 मिलियन हेक्टर। एक 2015 का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक 155.2 मिलियन हेक्टर इंडिया के अंदर कल्टीवेबल सॉइल है। ऑन द बेसिस ऑफ जीनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, तो सॉइल ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, मींस के जीनेसिस मींस क्या, तो उसका ओरिजिन क्या है। कलर मीन्स वो ब्लैक है, रेड है, येलो है, कौन सी कलर की है। कंपोजिशन उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड है, मोंटमोरियोनाइट है, कि कौन सा कंपोनेंट है, उसके हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट तो है एल्यूवियल सॉइल, दूसरी ब्लैक सॉइल, तीसरी रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पिटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इस सबका अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एल्यूवियल सॉइल क्या है, तो एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर मेनली रहती है, तो जो रिवर है, रिवर के आसपास के जो भी इलाके हैं उसके अंदर, रिवर के अंदर जो फ्लड आता है और उसका जो कादव है और जो भी है, और वो साइड में जो डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल बनती है, तो उसको कौन से सॉइल बोला जाता है, तो वो एल्यूवियल सॉइल। जैसा कि गंगा रिवर है, उसके आसपास के जो मैदानी, हम बोलते हैं मैदानी विस्तार है, तो उसको हम कौन से, मोस्टली वो कौन से सॉइल है, तो वो है एल्यूवियल सॉइल, डिपॉजिटेड इन फ्लड प्लेन्स बाय ट्रांसपोर्टेशन इन स्ट्रीम एंड रिवर्स। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप, ये एग्जाम में आ सकता है, कौन सा लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं एल्यूवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा जो सॉइल का टाइप है उसमें सबसे ज़्यादा जिसका एरिया है, तो वो किसका है, एल्यूवियल सॉइल का है। कितना है, 143 मिलियन हेक्टर। हमने बोला था कल्टीवेबल कितने हैं, उनमें से 143 मिलियन हेक्टर जो टोटल लैंड है हमारी, 328 मिलियन हेक्टर है, उसमें से 143 मिलियन हेक्टर सॉइल एल्यूवियल सॉइल है, जो सबसे ज़्यादा सॉइल ग्रुप में है। वो मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, तो यूपी, हमको मालूम है यूपी में गंगा है, रिवर यमुना है, तो वहीं पर। बाद में कहाँ पर, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में एंड गुजरात में, तो ये एल्यूवियल सॉइल वहाँ पर पाई जाती है। गुजरात में भी कहाँ पर, जो नॉर्थ गुजरात का इलाका है वहाँ पर मोस्टली एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल कवर अबाउट 40 to 45% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो 328.7 मिलियन हेक्टर है, इसमें से 40 to 45% एरिया एल्यूवियल सॉइल कवर करती है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। और दे आर जनरली रिच इन पोटास, तो ये क्या है, पोटास इसके अंदर रिच रहता है। जो नॉर्थ गुजरात की सॉइल है वहाँ पर क्या है, पोटास रिच सॉइल है, मीन्स के जो भी एल्यूवियल सॉइल है वो क्या है, पोटास रिच सॉइल है, बट पुअर इन फॉस्फरस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल्यूवियल सॉइल में पोटास तो नहीं डालेंगे तो चलेगा, पर बाहर से फॉस्फरस को देना पड़ेगा। इट इज़ जियोग्राफिकली टू टाइप, अब एल्यूवियल सॉइल का भी टू टाइप है, उसमें कोई उतना नहीं है। कौन कौन सा है, खदर एंड भंगार। भंगार मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी भंगार हम जिसको बोलते हैं, जो ओल्ड है उसको क्या हम बोलेंगे, कोई भी लोखंड है जो ओल्ड है उसको क्या बोलेंगे, भंगार। तो इस पर से आप याद रख सकते हैं, भंगार मीन्स कौन सी, जो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है उसको हम कौन सा बोलेंगे, भंगार, और जो न्यूली फॉर्मड है, जो अभी फॉर्मड हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे खदर। फॉर्मड मेनली फ्रॉम एंटी सॉइल, भंगार मीन्स ओल्ड फॉर्मड, खदर मीन्स न्यूली फॉर्मड। अब आगे हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ब्लैक सॉइल फॉर्मड मेनली फ्रॉम वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि ब्लैक सॉइल कौन से सॉइल ऑर्डर में आती है, तो वो वर्टिसोल में आती है। रिच इन मोंटमोरियोनाइट 2Gm1 क्ले मिनरल, तो ब्लैक सॉइल में कौन सा मिनरल रहता है, ऐसे करके भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।
तो वो कौन सा है? माउंट मोरलियो नाइट। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट विच इंक्लूड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। मीन्स के जो डेक्कन प्लेट है उसमें भी मेनली महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में कहाँ पर पाई जाती है? तो जो साउथ गुजरात का इलाका है, सौराष्ट्र का कुछ इलाका है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और आगे ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप आफ्टर एल्यूवियल विथ ऑक्यूपाइंग 55 मिलियन हेक्टर, मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र एंड एमपी। एल्यूवियल सॉइल सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, उसके बाद में कौन सा है? तो ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल आर नोन एज द रेगुर सॉइल। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि रेगुर सॉइल किस सॉइल को बोला जाता है, और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, तो वो कौन सा आ सकता है? तो जो ब्लैक सॉइल है उसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी उसको बोला जाता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स दोज देयर ऑक्यूर अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लाउइंग। मीन्स कि जब ड्राई स्पेल रहता है तब उसके अंदर क्या एक क्रैक हो जाते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ प्लाउइंग। जैसे प्लाउ लगाते और क्रैक होता है, वैसे ही सेम टू सेम ड्राई स्पेल में होता है, तो वो क्या है? सेल्फ प्लाउइंग। किस में ऑक्यूर होता है? तो वो ब्लैक सॉइल में ही ऑक्यूर होता है। केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी रिच रहती है, पर उसके अंदर कौन सा लैक रहता है? तो जो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसके अंदर क्या लैक रहता है, मीन्स के कमी रहती है, तो हमको बाहर से फॉस्फोरस नाइट्रोजन डालना पड़ता है। वर्टिकल क्रैक्स आर मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल। वर्टिकल क्रैक है वो ब्लैक सॉइल का मेजर प्रॉब्लम है। अब आगे हम बात करेंगे रेड सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल ऑक्यूपाइड अबाउट 15 मिलियन हेक्टर। कहाँ पर मेनली पाई जाती है? तो जो तमिलनाडु है वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है, फॉलोवड बाय कर्नाटका एंड गोवा। कुछ कर्नाटका में भी है और गोवा में भी है। सच सॉइल फॉर्मड फ्रॉम एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें से ये सॉइल बनी हुई है। कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेदर देन हाई कंटेंट। जो आयरन है उसका वाइड डिफ्यूजन की वजह से ये हमको रेड दिखाई देती है। रेड सॉइल को आपको मालूम ही चल जाएगा रेड पर से, उसके अंदर कौन सा कंटेंट रहता है? तो वो आयरन। आयरन का ज़्यादा क्या रहता है? डिफ्यूजन रहता है। रेड सॉइल हैव हाई पी फिक्सेशन कैपेसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट क्ले मिनरल। ये जो केओलिनाइट क्ले मिनरल है उसकी वजह से जो रेड सॉइल है उसकी फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये भी आपको आ सकता है कि कौन से क्ले मिनरल की वजह से वो पी फिक्सेशन कैपेसिटी ज़्यादा है रेड सॉइल की, तो ये आ सकता है। इन द लाइट एंड फ्रिक्वेंट रेंज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून रेड सॉइल परमिट सोइंग बींग डन अर्लियर देन अदर सॉइल, हैंस कॉल्ड अर्ली सॉइल। रेड सॉइल को क्यों अर्ली सॉइल बोला जाता है? क्योंकि उसका हाई इनफिल्ट्रेशन रेट है। जबकि आज कोई बारिश हुई है तो हम 5 से 6 दिनों में उसके अंदर हम सोइंग कर पाएंगे, प्लाउइंग कर पाएंगे, इसकी वजह से उसको क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई इनफिल्ट्रेशन रेट, इसकी वजह से रेड सॉइल को अर्ली सॉइल बोला जाता है। ब्लैक सॉइल में क्या आज बारिश हुई है तो 10 से 15 दिन के बाद में ही हम उसके अंदर सोइंग कर पाएंगे या कोई भी टीलेज ऑपरेशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लो ड्यू टू लो इनफिल्ट्रेशन रेट। तो ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलेंगे? लेट सॉइल। जबकि रेड सॉइल को क्या बोलेंगे? अर्ली सॉइल। दिस सॉइल आर रिच इन आयरन एंड मैंगनीज, मीन्स के रेड सॉइल के अंदर ये दोनों एलिमेंट ज़्यादा रहता है। पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पूरे इंडिया में सारे के सारे सॉइल में नाइट्रोजन की पुअर है। फॉर्मड मेनली फ्रॉम अल्फिसोल, उल्टीसोल एंड इनसेप्टिसोल सॉइल ऑर्डर। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है अर्ली सॉइल किस सॉइल को बोला जाता है। अब हम आगे बात करेंगे लेटराइट सॉइल। फॉर्मड मेनली फ्रॉम उल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल सॉइल ग्रुप। केओनाइट इज डोमिनेटेड सिलिकेट क्ले। कौन सा है? केओनाइट। इसके अंदर ज़्यादा मिनरल रहता है। ऑक्यूपाइड अबाउट 25 मिलियन हेक्टर, मेनली फाउंड ऑन हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम, कोस्टल एरिया ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। इसके अंदर ये लेटराइट सॉइल पाई
जाती है। फॉर्मड अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जिस रीजन में हैवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर लेटेराइट सॉइल रहती है। लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश अल्सो केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशूनट। जो प्लांटेशन क्रॉप है, मेनली जो प्लांटेशन क्रॉप है, तो उसके लिए यह बहुत सुटेबल सॉइल है, कैशूनट है, जो भी प्लांटेशन क्रॉप है। लेटेराइट सॉइल आर वाइडली कट एज अ ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। जो हाउस कंस्ट्रक्शन में ईंटों का जो यूज़ होता है, तो वो मेनली लेटेराइट सॉइल से बनती है। मैक्सिमम लीचिंग टेक प्लेस, इसके अंदर ज़्यादा लीचिंग रहता है। और कौन सी सॉइल है, तो वो लास्ट में डिजर्ट सॉइल। कौन सी सॉइल है, डिजर्ट सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? हमको मालूम है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तान है, डिजर्ट है, तो वो कहाँ पर है, तो थार रन राजस्थान में, और क्या है, कच्छ का रन गुजरात में। तो वो कहाँ पर मेनली पाई जाएगी, तो राजस्थान आरजे एंड जीजे में एंड गुजरात में। फॉर्मड मेनली फ्रॉम एरिडी सॉइल ग्रुप, एरिडी सॉल सॉइल ग्रुप। जो एरिडी सॉल सॉइल है, उसके अंदर एरिडी सॉल जो सॉइल का ग्रुप है, उसके अंदर ये डिजर्ट सॉइल रहती है। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर। डिजर्ट सॉइल में क्या रहेगी, सैंड रहेगी, तो वो सैंडी इन स्ट्रक्चर रहेगी। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एसेलरेटेड इवापोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। उसका क्या है कि ये मेनली कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर पाई जाएगी। इसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम रहता है, ह्यूमस का भी बहुत कम रहता है। और क्या, लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कैंकर लेयर, कंकर लेयर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट ऑन डाउनवर्ड। मीन्स के जो लोअर लेयर है वहाँ पर क्या, कंकर लेयर कैल्शियम की वजह से बनेगा। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो कुछ वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन रहता है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सैंडी सॉइल में तो हो जाएगा, पर उसके अंडर में जो वो कंकर लेयर बनाते हैं कैल्शियम की वजह से, उसकी वजह से उतना इनफिल्ट्रेशन रहेगा नहीं। कहाँ पर ऑक्यूरेंस रहती है, जो हमने अभी बोला वेस्ट राजस्थान है, वेस्ट जो गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, उसके अंदर ये डिजर्ट सॉइल पाई जाती है। और अब हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो सबसे पहले कौन सी, सबसे ज़्यादा ये एल्यूवियल सॉइल है। ये जो येलो कलर है वो कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल। तो जो भी जहाँ पर मेनली गंगा यमुना जो रिवर पास हो रही है, बनास रिवर, तो महिसागर, मई रिवर, तो जो भी रिवर पास हो रही है, तो वहाँ पर कौन सी सॉइल है, तो वो है एल्यूवियल सॉइल। बाद में ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, तो मेनली सौराष्ट्र में है। और इधर स्टेट की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में एंड जो महाराष्ट्र है वहाँ पर एंड मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब हम रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे, तो रेड सॉइल कहाँ पर है, ये जो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ का जो झारखंड का इलाका है, वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। और कौन से सॉइल, लेटेराइट सॉइल, तो लेटेराइट सॉइल सिर्फ इधर ही मेनली ये केरला में पाई जाती है। तो ये सारी सॉइल इस तरह से पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल है वो प्लांटेशन क्रॉप के लिए सूटेबल है।